अपने स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में कई बार आपने ट्राई की है चीज कि एक रात में है ना, या एक दिन में आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करते थे, राइट? सो आके ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम यू मस्ट हैव ट्राइड दिस थिंग दैट हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन जस्ट वन नाइट, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या ये पॉसिबल है, ठीक है? इज इट पॉसिबल टू स्कोर 6.5, इसका आंसर दूंगा अभी, ठीक है? तो इज इट पॉसिबल टू स्कोर 6.5 इन योर आइल्स एंड इन जस्ट अ डे और इन जस्ट अ नाइट? सो द आंसर इज यस, एंड हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आपने वो फॉलो की तो डेफिनेटली आप एक दिन या एक रात में अपना स्कोर कर सकते हो, तो वो ठीक है एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ, सभी चीजें प्रैक्टिकल है, जो चीज आपको प्रैक्टिकल नहीं लगी आप चाहे तभी वीडियो बंद कर सकते हो, राइट? ओके, तो नाउ लेट्स जंप स्ट्रेट टू द टिप्स। हाँ, एटलीस्ट आपका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट तो होना चाहिए, ओके? ठीक है, तो चारों मॉड्यूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रीडिंग की बात करता हूँ, जो सबसे टफ है, इज द मोस्ट टफेस्ट मॉड्यूल, आई थिंक, है ना, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मॉड्यूल्स एंड आल्स, राइट? सो रीडिंग के लिए एक पहले भी एक चीज हुई हुई है, ठीक है? एक स्टूडेंट था तो उनका जो आल्स का एग्जाम था, तो उससे एक दिन पहले तो उन्होंने यू नो एक्चुअली उन्होंने अटेम्प्ट की थी, ओके? स्टूडेंट अटेम्प्टेड अराउंड 4 रीडिंग्स अ डे, तो 4 रीडिंग्स एक दिन में की, है ना? तो उससे क्या है कि भैया वो स्टैमिना, ठीक है, तो वो जो है आपका फ्लो बन जाता है, ठीक है ना? सो एक दिन पहले एग्जाम में आपको क्या रीडिंग के लिए क्या करना होगा, आपको 4 रीडिंग सॉल्व करनी पड़ेंगी। एंड हाँ, अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू, एंड यस दिस इज फ्रूटफुल, दिस इज बेनिफिशियल, ओके? ट्राई करके देखना एक दिन, ठीक है? तो 4 रीडिंग एक दिन में करना, एंड डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है? एंड दिस इज माय गारंटी, क्योंकि ये पहले जी प्रैक्टिकल है, एज आई हैव मेंशन इन द थंबनेल, दिस इज प्रैक्टिकल एंड दिस एक्चुअली वर्क्स, राइट? तो ये बात तो रही रीडिंग की, ठीक है? अभी रीडिंग के लिए एक और है, ठीक है, एक और मतलब क्या है आपको जो फॉलो करनी पड़ेगी टिप, वो है राइटिंग के लिए भी है, टास्क 2 के लिए भी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आल्स लिस्ट की जो वेबसाइट है मैम की, राइट, तो वहां पे काफी सारे टास्क हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। देयर आर मेनी टास्क व्हिच आर एक्चुअली कॉमन एंड यूजुअली यू नो कॉमन एग्जाम एग्जाम में आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट उन आइडियाज को रीड करो। मोर ओवर, आइडियाज अगर आपको पता होंगे, ठीक है, तो दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की वीडियो देखो जो कि ऑलरेडी गिवन है चैनल पे। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद विनय एंड हैरी, एंड यू कैन जस्ट वॉच दैट एंड मेक श्योर उस एक दिन में आपको वो चीज, ठीक है, लिख के देखनी पड़ेगी आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपको आते हैं कि नहीं, ठीक है ना? अगर भैया आपने इफ यू यूज्ड दोज स्ट्रक्चर्स इन योर एग्जाम, ओके, देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल इन योर राइटिंग पार्ट, ओके? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्लस आइडियाज, ओके? एंड नाउ टास्क 1, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। टास्क 1 में आप क्या कर सकते हो, टास्क 1 में यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द यू नो सेंटेंसेस, लाइक देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑल द वीडियोस आर ऑलरेडी देयर, ओके? देयर इज स्पेशल टास्क 1 प्लेलिस्ट, आप उस पर देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस हैं टास्क 1 के ऊपर बेस्ड। एंड दिस इज माई प्रोमिस, इफ यू है ना, अगर आप उनके थ्रू है ना वीडियोज को देखोगे आप, देन डेफिनेटली आप उसका स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज देर आर सो मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेज, ING, टू, बाय, ऑफ, ओके, एक्सप्रेशन, देर आर सो मेनी थिंग्स टास्क 1। एंड हाँ, दिस इज जस्ट यू नो लाइक एक दिन की बात है, ठीक है? तो आप वो आप देखोगे अगर वीडियो, तो डेफिनेटली आप अपना स्कोर कर सकते हो। एंड हाँ, मेक श्योर टू राइट देम, ओके? उस एक दिन में आपको जरूर लिख के देखने पड़ेंगे आपको सेंटेंसेस, ठीक है? तो वो चीज आप जरूर देखना, तो आप ट्राई करके देखोगे, लिख के देखोगे, 4 रीडिंग्स होगी, ठीक है? तो टास्क 2 के जो आइडियाज हैं, टास्क 2 के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, टास्क 1 के भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल हियर ऑन यूट्यूब ऑन माय चैनल एंड यू कैन विजिट दोस वीडियोस टू, ओके? एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर लिसनिंग पार्ट। लिसनिंग एट लीस्ट यू नो सॉल्व 2 लिसनिंग्स, 2 लिसनिंग्स हैं यूट्यूब पे, आप देखिए, ठीक है? दो कोई भी 2 लिसनिंग्स उठा के उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है? अगर नहीं तो 3 कर लीजिए, एटलीस्ट बोला है, दैट मीन्स कम से कम आप 2 लिसनिंग तो सॉल्व करके देखिए, ठीक है? एंड हाँ, इससे क्या होता है, द थिंग इज आपका फ्लो बनेगा। अगर आपका फ्लो बन गया, ठीक है ना, तो क्या है, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट?
एंड नाउ लेट्स मूव टू द स्पीकिंग पार्ट. स्पीकिंग पार्ट के लिए और लिसनिंग पार्ट के लिए दिस इज अ कॉमन थिंग, देन मेक श्योर टू वॉच सम इंटरव्यूज ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटीज, स्पेशली फॉरेन. ओके, जो बाहर के जो सेलिब्रिटीज है स्पेशली उनकी इंटरव्यूज देखिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलावा आप क्या देख सकते हो? इसके अलावा ओके, जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर टीचर, है ना, इंग्लिश में आप बात कीजिए. डू कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कीजिए, ठीक है. डोंट जस्ट डिलीवर स्पीच, ओके, एक मतलब डोंट जस्ट रीड आउट, रीड आउट मत कीजिए, उसको पढ़ो मत, सुनाओ मत, समझाओ, ठीक है. मेक श्योर दैट द पर्सन इज कनेक्टेड विद यू, ओके. ये चीज आप ध्यान में रखना कि भैया वो बंदा आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है. तो आई एम हियर, आई एम टेल यू अबाउट समथिंग दैट यू नो, व्हेन आई वाज गोइंग टू यू नो जॉइन एज अ ट्रेनर, आल्स ट्रेनर, तो मैंने पता क्या किया था, आई वाज इन द कार विद माय फ्रेंड एंड आई डिडंट इवन लाइक प्रैक्टिस, ओके, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड इन इंग्लिश, है ना. तो भैया वो इंग्लिश में मैं स्टार्टिंग में, है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल आई जैसे 2 या 3 मिनट में. आफ्टर दैट I was in the flow. मैं उस फ्लो में आ गया था. उसके बाद तो फ्लो में आ गया था एंड इवन द इंटरव्यू जो ले रहा था बंदा, है ना, इवन दैट वॉज समटाइम्स उसको भी थोड़ा सा हुआ भाई, यस हाँ दैट द पर्सन है ना हैज समथिंग. तो मतलब ये है कि आप उससे एक दिन में अपना फ्लो बनाओ, जितना ज़्यादा बोल सकते हो स्पीकिंग के एक दिन पहले या स्पीकिंग के, है ना, 2 दिन पहले. एक दिन की बात है तो एक दिन, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, कर सकते हैं. एंड हाँ, सेम चीज आप रिपीट करोगे कब? स्पीकिंग के 15 मिनट पहले, ठीक है. 15 मिनट्स जस्ट कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड डेफिनेटली योर लेवल विल बी, ठीक है, कुछ और लेवल होगा आपका, बेटर होगा आपका, फ्लो बढ़िया हो जाएगा, फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी, ठीक है. These are some tips that you have to, these are some tasks actually you have to do, okay, to improve your IELTS score. And this is 100% working, 100% practical. And make sure to subscribe this channel if you are new and like this video. And share zarur kar dena apne friends ke sath. Thank you so much. I'm Japneet. Thank you.